गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू ईवीएस इन क्लास सेकंड। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपके जो ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, अवर नेबरहुड, उसके जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे और क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन कौन कौन से थे? 5 क्वेश्चन थे जो इसके आंसर हमने लिखे थे। आज की क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन है उनके आंसर्स को लिखेंगे। तो देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु। तो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ पर्सन के नेम बताने हैं। फर्स्ट है, गिव अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जब आप बीमार होते हो तो आपको मेडिसिन कौन देता है, यानी दवाइयाँ कौन देता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे डॉक्टर। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? डॉक्टर, यानी जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, यानी दवाएं देते हैं। फिर सेकंड है, मेक्स द डिजाइन फॉर योर होम, यानी आपके लिए, आपके घर के लिए डिजाइन कौन बनाता है, यानी आपके घर का डिजाइन कौन बनाता है। तो हम लिखेंगे आर्किटेक्ट, 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 ECT, ARCHIECT। फिर है, लुक आफ्टर अवर प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमारा घर है या कोई बिल्डिंग है, उसका ध्यान कौन रखता है। तो हम लिखेंगे गार्ड, GUARD, गार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है, रिंग्स द बेल इन द स्कूल, स्कूल में जो बेल कौन बजाते हैं। तो हम लिखेंगे पियोन। और फिफ्थ है, टीच अस टू रीड एंड राइट, तो कौन हमें लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो हम लिखेंगे टीचर, तो TEACHER, टीचर। तो क्वेश्चन था, नेम द पर्सन हु, के उन पर्सन के नेम बताने जो है। गिव अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं। सिक का मतलब बीमार होना, मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ। तो अपन जब बीमार होते हैं तो अपन को दवाइयाँ कौन देता है? डॉक्टर। मेक द डिजाइन फॉर अवर हाउस होम, हमारा घर के लिए जो है, जैसे अपन घर बनवाते हैं तो सबसे पहले डिजाइन करवाते हैं, तो उसका नक्शा कौन बनाकर देता है? तो हमने लिखा आर्किटेक्ट। थर्ड वो है, लुक आफ्टर अवर प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी का ध्यान कौन रखता है? तो हमने लिखा गार्ड। फिर फोर्थ है, रिंग्स द बेल इन द स्कूल, स्कूल में जो है बेल कौन बजाता है? तो पियोन। और फिफ्थ है, टीच अस टू रीड एंड राइट, तो कौन होता है जो हमें लिखना और पढ़ना सिखाता है? तो हमने लिखा टीचर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ईवीएस की नोटबुक में करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डू दे वर्क। यहाँ पर जो पर्सन के नेम लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि वो कहाँ पर काम करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ क्लू दे रखे हैं। क्लू क्या है? जैसे आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि नर्स जो होती है वो कहाँ काम करती है, ट्रैफिक पुलिसमैन जो होता है वो कहाँ काम पर करते हैं, पोस्टमैन कहाँ पर काम करते हैं, फायरमैन कहाँ पर काम करते हैं, और पुलिस कहाँ पर काम करते हैं। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट नर्स, नर्स काम करती है हॉस्पिटल में। तो हम यहाँ लिखेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। फिर नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं, जो ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? तो हम लिखेंगे रोड पर। तो वो रोड पर ही खड़े होते हैं, ट्रैफिक कहाँ होता है? रोड पर। तो वो पुलिसमैन कहाँ खड़े होंगे? रोड पर। पोस्टमैन, पोस्टमैन कहाँ पर काम करता है? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस। फिर नेक्स्ट है फायरमैन, फायरमैन कहाँ पर काम करता है? जो आग बुझाता है, तो वो काम करते हैं फायर स्टेशन में। तो हम लिखेंगे फायर स्टेशन, फायर स्टेशन। फिर नेक्स्ट है कुली, कुली का काम करते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो कुली का क्या काम होता है? सामान को उठाना, तो ये काम करते हैं रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। तो ये हो गया हमारा आंसर। नर्स करती है हॉस्पिटल में काम, ट्रैफिक पुलिसमैन रोड पर, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में, फायरमैन फायर स्टेशन में, और कूली रेलवे स्टेशन पर। तो ये हो गया हमारा
बाकी के क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4 अवर नेबरहुड, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। तो देखो क्या था आज हमने क्या देखा, नेम द पर्सन हु एंड वेयर डू दे वर्क। तो क्वेश्चन 2 और 3 ये दोनों क्वेश्चन आपको ईवीएस की नोटबुक में करने हैं, ठीक है। बुक के साथ साथ नोटबुक में भी आपको ये क्वेश्चन करना है। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को नोटबुक में कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैम आपको नोटबुक में करने को बोलती है वो क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है। अब देखो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो पूरे हो गए, अब यहाँ पर कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। डू यू नो सम फिश ऑल्सो कम्युनिकेट बाय चेंजिंग हर स्विमिंग स्पीड और डायरेक्शन और बाय रबिंग देयर टीथ। तो क्या आप जानते हो कि कुछ ऐसी मछलियां भी होती है जो अब कम्युनिकेट करती है, बातचीत करती है बाय चेंजिंग देयर स्विमिंग स्पीड। मतलब उनको जब बात करनी होती है तो वो क्या करेगी, या तो अपने तैरने की जो स्पीड होती है उसको पलट लेगी, कम कर लेगी, ज्यादा कर लेगी, या फिर डायरेक्शन, यानी जैसे एक दिशा में वो जैसे तैर रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, या फिर क्या करेगी अपने टीथ को रब करेगी, यानी रब करना होता है ना जैसे मसलना। अदर ड्रम दे स्विम ब्लेंडर्स और मेक साउंड, और क्या करते हैं अदर ड्रम दे स्विम ब्लेंडर्स टू मेक साउंड। और जो बाकी के मछलियां होती है वो क्या करती है अपने स्विम ब्लेडर से साउंड, मतलब साउंड निकालती है। बट द ब्लू वेल विट्सल इज द लाउडेस्ट नॉइज मेड बाय एन एनिमल। पर जो वेल मछली होती है, जैसे कि आपने सुना होगा वेल मछली बहुत बड़ी मछली होती है, वो क्या करती है उसकी जो विशल होती है यानी उसकी जो सीटी होती है इज द लाउडेस्ट नॉइज, सबसे ऊंची जो होता है शोर होता है, मेड बाय एन एनिमल। तो किसी एनिमल के द्वारा निकाले जाने वाला सबसे ऊंचा शोर क्या हो गया, वेल विशल, यानी वेल भी सीटी मारती है, सीटी की आवाज निकालती है, तो वो क्या हो गई लाउडेस्ट नॉइज हो गई। यानी किसी एनिमल के द्वारा जो है बहुत ऊंचा शोर कौन मचाता है, वेल विशल यानी वेल की सीटी, और ये वेल निकालती। फिर नेक्स्ट है टू इट नेम थ्री शॉप्स दैट यू विजिट ऑफ्टन एंड वन आइटम दैट यू बाय। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको ऐसी थ्री शॉप्स के बारे में, ऐसी तीन दुकानों के बारे में लिखना है जिस पर आप हमेशा जाते हो और कुछ ना कुछ सामान खरीदते हो। तो कौन कौन से हो गई, जैसे आपकी हो गई स्टेशनरी की, जहाँ से अपन कुछ ना कुछ खरीदते रहते, कभी इरेजर कभी पेंसिल वगैरह। दूसरी हो गई हमारी परचून की दुकान, है ना, जैसे कि अपन क्या खरीदते हैं, कभी कुछ खाने का सामान खरीदते हैं। और थर्ड क्या होगा, थर्ड हो सकता है हमारा आप लिख सकते हो थर्ड, जैसे अपन वेजिटेबल शॉप, है ना, जहाँ से अपन सब्जियाँ खरीदते हैं। तो फर्स्ट हो गई हमारी स्टेशनरी की शॉप, सेकंड हो गई हमारी जो परचून की शॉप होती है, और थर्ड हो गई हमारी वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप। फिर सेकंड है, तो ये आपको खुद को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये बुक में ही करना है क्वेश्चन, नोटबुक में नहीं करना है। फिर सेकंड है यू कैन लर्न टू राइट एंड एक्सपेंड योर वोकैबुलरी रियली वेल इफ यू हेल्प योर पेरेंट्स इन मेकिंग द शॉपिंग लिस्ट। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यू कैन लर्न एंड राइट योर एंड एक्सपेंड योर वोकैबुलरी। अब आपको क्या करना है, खुद सीखना है और लिखना है, और ऐसा कर आपको अपनी जो वोकैबुलरी होती है, यानी आपको किसी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड की स्पेलिंग कितनी आती है वो उसको, उस ज्ञान को बढ़ाना है। रियली वेल इफ यू हेल्प योर पेरेंट्स इन मेकिंग द शॉपिंग लिस्ट। अगर आप, कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स की शॉपिंग लिस्ट को बनाने में मदद करोगे तो आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो अच्छी हो जाएगी, और आपका जो ज्ञान होगा उसमें वोकैबुलरी में वो भी बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, आस्क योर पेरेंट्स फॉर हेल्प इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ स्पेलिंग। तो अगर आपको कोई स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम है, शॉपिंग लिस्ट बना रहे हो, वहाँ पर अगर ऐसा कोई वर्ड आ गया जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है, तो आपको आपके पेरेंट्स को बोलना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। यू कैन रीड द नेम्स ऑफ सम आइटम्स फ्रॉम द पैकेट्स, और आप कुछ ना कुछ जो वर्ड्स होंगे वो पैकेट्स पर या फिर बॉक्सेस पर देखकर भी लिख सकते हो। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट है, मंथ है, एंड एस्टिमेटेड बजट। एस्टिमेटेड बजट यानी अनुमानित बजट, यानी अनुमान लगाना। जैसे आप शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे शुगर लिख सकते हैं, पल्सेस लिख सकते हैं, और फ्लोर लिख सकते हैं, नूडल्स लिख सकते हैं, इस तरह से अलग अलग तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है, मंथ लिखना है यानी किस मंथ में आपने इस चीज को खरीदा, और एस्टिमेटेड बजट यानी इस चीज को खरीदने में आपके कितने पैसे खर्च हुए या कितने पैसे खर्च हो सकते हैं।
अनुमानित बजट यानी एस्टिमेटेड बजट। तो अनुमान तो लगाया जाता है, अनुमान क्या होता है जिसमें अपन चीजों की जो रेट लिखते हैं वो क्या होती है, या तो कम ज्यादा हो सकती है इस तरह से लिखते हैं, या तो मतलब 2-4 पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे आपने शुगर खरीदी, ठीक है, तो अगर 1 किलो शुगर 33 रुपीज में आती है तो अपन ने एस्टिमेटेड लगाया 30 या फिर 36, इस तरह से अपन ने क्या किया यानी उसके आसपास 33 जो है उसकी रेट है शुगर की, पर अपन ने क्या किया या तो 30 लिखा या फिर 36 यानी आसपास है उसकी रेट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है जिसमें खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और क्या क्या लिख सकते हो, शुगर लिख सकते हो, पल्सेस लिख सकते हो, राइस लिख सकते हो, व्हीट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ शॉपिंग लिस्ट। जैसे अपन ले सकते हैं शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी। फिर अपन लिख सकते हैं पल्सेस, पल्सेस यानी दालें। फिर अपन लिख सकते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, और क्या लिख सकते हैं हम फ्लोर यानी आटा, और नूडल्स, और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे अपन ने फ्रूट्स हो गए, पल्सेस, शुगर हो गई, इस तरह से चार, जैसे चार चीजें, तो उसके नाम आप भी लिख सकते हो। तो जैसे जूस, अगर आप जूस खरीद रहे हो या ऑयल खरीद रहे हो, घी खरीद रहे हो, इस तरह से। तो ये चीजें हो गई। क्या क्या हो गई शॉपिंग लिस्ट में, जैसे आपको क्या खरीदना है, शुगर खरीदना है, दालें खरीदनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदना है, आटा खरीदना है, नूडल्स खरीदना है, जूस खरीदना है, और तेल खरीदना है, और घी खरीदना है। मंथ आप नेम लिख सकते हो, जैसे मंथ क्या हो गया, जैसे अगर अपन लिख सकते कुछ भी, जैसे मार्च लिख सकते हैं या फिर अभी वाले महीने का नाम ही लिख सकते हैं। एस्टिमेटेड बजट, अब एस्टिमेटेड यानी अनुमानित पैसे कितने लग सकते हैं, जैसे शुगर पे हम लिख सकते हैं 33 रुपीज, है ना। दालों के भाव अपन लिख सकते हैं, फ्रूट के लिख सकते हैं, जैसे आप इस महीने में, जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आप सोच रहे हो कि इस महीने आपको 150 रुपये यानी 150 रुपीज के जो है फ्रूट्स खरीदने हैं, तो आप लिखोगे 150 रुपीज। वेजिटेबल्स पर अगर आपने 300 रुपीज खर्च किए हैं इस महीने, तो अपन लिख सकते हैं 300 रुपीज। इस तरह से आपको ये जो सारणी है यानी टेबल है वो फिल करनी है। क्या है शॉपिंग लिस्ट में अपन ने क्या क्या नाम लिख सकते हैं, ये मैंने लिखे, अगर आप चाहे तो दूसरे भी लिख सकते हो। मंथ का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हो, और एस्टिमेटेड बजट यानी कितने रुपए इस पर खर्च हो सकते हैं, शक्कर खरीदने में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, दालें खरीदने में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, ये करके आपको लिखना है। तो इस तरह से ये जो टेबल होगी वो आपको ईवीएस की नोटबुक में फिल करनी है। इसको जो ये जो काम है वो ईवीएस की नोटबुक में नहीं करना है। ईवीएस की नोटबुक में तो सिर्फ 3 क्वेश्चन करने थे, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स करने थे, फिर आंसर क्वेश्चन द आंसर करने थे, और क्या करना था, नेम द पर्सन हु, एंड थर्ड क्वेश्चन वेयर डू दे वर्क, ये वाले क्वेश्चन ही आपको ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, ये सिर्फ आपको ईवीएस की बुक में ही करने हैं, जैसे इस पेज पर ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4, अवर नेबरहुड पूरा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, नेबर्स बोलते हैं, और एक नेबरहुड में जो है एक अच्छे जो एक अच्छा बच्चा होता है वो अपने नेबर की किस तरह से मदद कर सकता है, अपने नेबरहुड को किस तरह से साफ रख सकता है, ये भी आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन आंसर जो हमने पढ़े वो भी आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।